और अब बात करेंगे तिहाड़ जेल के एक अधिकारी को धमकी मिली है। लॉरेंस काला जठेड़ी गोगी गैंग से ये धमकी मिली है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने गैंगस्टर पर कसी नकेल। तिहाड़ जेल में उगाही नहीं कर पा रहे गैंगस्टर, तंबाकू चरस जैसी चीजें भी गैंगस्टर को नहीं मिल रही हैं। बौखलाए गैंगस्टर ने जेल अधिकारी को धमकी दी है, तो जेल अधिकारी को ये धमकी दी गई है और ये कहा जा रहा है कि काला जठेड़ी लॉरेंस जैसे ग्रुप हैं, गोगी गैंग जैसे ग्रुप हैं जिनकी तरफ से ये धमकी जेल अधिकारी को मिली है। तो तिहाड़ जेल में गवाही नहीं कर पा रहे गैंगस्टर, बौखलाए गैंगस्टर ने जेल अधिकारी को धमकी दी। जावेद इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, कौन अधिकारी हैं जिन्हें धमकी मिल रही है, किस नंबर से धमकी मिली है, इसको लेकर कोई जांच में सामने आया है कुछ? जी देखिए, एक एनजीओ के कंप्लेन के बाद ये सामने आया है। हालांकि इससे पहले भी इस अधिकारी जो हैं, ये सीनियर अधिकारी हैं तिहाड़ जेल के, एक जेल के ये सीनियर अधिकारी हैं। इनको उस जेल के जिस जेल में ये यहाँ पे पोस्टेड हैं वहाँ पे काला जठेड़ी जो कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास और बड़ा एसोसिएट्स गैंगस्टर्स है। इसके अलावा हाशिम बाबा जो कि खुद को दिल्ली का दाऊद कहता है उसके एसोसिएट्स, क्योंकि हाशिम बाबा तो इस वक्त मंडोली जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। इसके अलावा गोगी और तिल्लू ताजपुरिया, ये दोनों की हत्या हो चुकी, लेकिन इन दोनों के जो बाकी एसोसिएट्स है वो इस वक्त इस जेल में बंद है। और जिस तरीके से जेल के अंदर जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है कि चरस तंबाकू और दूसरी चीजें जो एक तरह से फैसिलिटीज होती है गैंगस्टर्स और बाकी कैदियों के लिए, छोटे बड़े भी जो गैंगस्टर्स है वो इस वक्त बंद है उस जेल में, तो उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर जेल के उस सीनियर अधिकारी को धमकी दी गई है। और एक एनजीओ ने भी इसको दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर साउथ जोन 2 को इसकी शिकायत दी है। और ये जो अधिकारी, इनके बारे में जो जानकारी अभी तक मिल रही है कि ये उस जिस जेल में ये पोस्टेड है ये वहां पर तमाम बड़े छोटे गैंगस्टर्स जो भी हैं सबको एक समान और किसी तरह की कोई भी जो नेक्सस होता है जेल के अंदर, जो आए दिन आप देख सुनती होंगी अनन्या कि किसी को फोन से धमकी मिल रही है या किसी के पास किसी के वकील या किसी के एसोसिएट्स वहाँ पे मिलने आ रहे हैं उनके जरिए खबर भेजी जा रही है, तो ये कोई धमकी किसी कॉल से या किसी लेटर से या किसी दूसरे सोशल मीडिया ऐप से नहीं है। ये जानकारी मिली कि ये कैदी उसी जेल के अंदर बंद है जहाँ पर ये जेल तिहाड़ जेल के सीनियर अधिकारी पोस्टेड है। मैं आपको बता दूँ कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा दिल्ली का तिहाड़ जेल है, उसके बाद ही इसके सपोर्ट में मंडोली और रोहिणी जेल बना। तिहाड़ जेल सबसे हाईटेक जेल है। इस वक्त तिहाड़ जेल के कई जेल, अलग अलग जेल, एक से लेकर 15 तक जेल है जहां कई वांटेड आतंकी हैं जो इस वक्त टेररिज्म में, जिनको बंद किया गया, टेरर मॉड्यूल पे बंद है। देश के कई बड़े गैंगस्टर्स हैं, उनके एसोसिएट्स हैं, खुद काला जठेड़ी एक बड़ा नाम है। इसके अलावा नीरज भवाना तिहाड़ जेल में बंद है, नीरज भवाना, हाशिम बाबा, इसके अलावा गोगी और तिल्लू ताजपुरिया, काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, इस गैंग से जुड़े हुए जो एसोसिएट्स हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं और जान से खतरा जो है, एनजीओ ने यह भी लिखा है कि जान से खतरा। और ये तिहाड़ जेल के सूत्रों के हवाले से भी खबर है, हालांकि इस पे तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से इस खबर पे कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि तिहाड़ जेल में उस जेल में पोस्टेड उस सीनियर अधिकारी को लगातार धमकी मिल रही है। क्योंकि इस जेल के अधिकारी के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि जब तिहाड़ जेल में कई सिचुएशन बिगड़ता है तो इनको वहां पर बुलाया जाता है, पोस्टेड किया जाता है, भले कुछ दिनों के लिए या कई बार ये कई जेल में भी, ये तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वार्ड में भी इन्होंने अपनी ड्यूटी दी है, लेकिन इस वक्त ये तिहाड़ जेल के किसी दूसरे जेल में है सीनियर अधिकारी हैं और वहां पर जो काला जठेड़ी उस जेल में बंद है और उसकी तरफ से भी धमकी मिली है। अब इसको लेकर जो ऑफ द रिकॉर्ड है कि तिहाड़ प्रशासन भी इस पूरे मामले को देख रहा है और हालांकि जो एनजीओ उसने भी खबर दी है, तो जो ये खबर है, खबर यही है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उस शख्स जो सीनियर अधिकारी उसके काम को लेते हुए, यानी कि उसके काम से जो गैंगस्टर्स है पूरी तरीके से बलबला गया है, मतलब बिल्कुल ये साफ तौर पर दिख रहा है बौखलाहट गैंगस्टर्स में, जिसके बाद ये धमकी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक